देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत बेहद नाजुक है। डॉक्टरों की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है। पिछले कई सप्ताह से एम्स में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। आपको बता दें कि वाजपेयी को गुर्दा नली में संक्रमण, छाती में जकड़न, मूत्र नली में संक्रमण जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के बाद 11 जून को एम्स में भर्ती कराया गया। मधुमेह के शिकार 93 वर्षीय बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी 2009 में स्ट्रोक के शिकार हो गए थे, जिसके बाद उनकी सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो गई। बाद में वह डिमनेशिया से भी पीड़ित हो गए। जैसे जैसे उनकी सेहत गिरती गई, धीरे धीरे उन्होंने खुद को सार्वजनिक जीवन से दूर कर लिया। आज जब वाजपेयी की हालत नाजुक है, पूरे देश में उनके शुभचिंतक उनके पुनः स्वस्थ होने की कामना में प्रार्थनाएं कर रहे हैं। न्यूज 18 की टीम भी तहे दिल से उनके स्वस्थ होने की कामना करती है। स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा का। अब अटल जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों से आपको रूबरू कराते हैं। अटल जी भारत में दक्षिणपंथी राजनीति के उदारवादी चेहरा रहे और एक लोकप्रिय जननेता के तौर पर पहचाने गए। लेकिन उनकी एक छवि उनके साहित्यिक पक्ष से भी जुड़ी है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित वाजपेयी एक माने हुए कवि भी हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में कई कविताएं लिखी और समय दर समय उन्हें संसद और दूसरे मंचों में पढ़ा भी। संसद से लेकर अन्य मौकों पर अपनी चुटीली बातों को कहने के लिए अक्सर वे कविताओं का इस्तेमाल करते थे। आइए उनकी कुछ मशहूर कविताएं हम आपको सुनाते हैं। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ।
एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते हैं जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोक कर खड़ी, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। क्षमा करो बापू तुम हमको, वचन भंग के हम अपराधी। राजघाट को किया पावन, मंजिल भूले यात्रा आधी। जयप्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे, चिता भस्म की चिनगारी से अंधकार की गढ़ तोड़ेंगे। पंजाब के बारे में लिखा था, दूध में दरार पड़ गई, दीवार में दरार पड़ती है, दिल में दरार पड़ती है, लेकिन पंजाब में भाई भाई के बीच में जो स्थिति पैदा हुई उसको मैं इन शब्दों में वर्णित कर रहा हूं। दूध में दरार पड़ गई, खून क्यों सफेद हो गया, खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, बट गए शहीद गीत कट गए, कलेजे में कटार कड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, सतलुज सहम उठी व्यथित सी वितस्ता है, बसंत से बहार झड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, अपनी ही छाया से वैर, अपनी ही छाया से वैर, गले लगने लगे हैं गैर, खुदकुशी का रास्ता तुम्हें वतन का वास्ता, बात बनाए बिगड़ गई, दूध में दरार पड़ गई।